हेलो एवरीवन, अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से, वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, कि आपस में डिफरेंट स्पीशीज की जो पॉपुलेशंस हैं वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक है। तो इसमें कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहैबिटेड जस्ट बाई ए सिंगल स्पीशीज। ठीक, ऐसा तो नहीं सकता कि कोई नेचुरल हैबिटेट है अर्थ पे और उसमें सिर्फ सिंगल स्पीशीज ही रहती हो। वहाँ पे क्या मिलेगा? अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशंस मिलेंगी। तो वो पॉपुलेशंस अलग अलग स्पीसीज की मिलके वहाँ पे क्या एस्टेब्लिश कर देंगी? कम्युनिटी बना देंगी। और उस कम्युनिटी में क्या होगा? इंटरेक्शंस होगा, अलग अलग तरह की इंटरेक्शंस होंगी। तो उन इंटरेक्शंस को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती है। ठीक है, अब कह रहा है, देर इज नो सच हैबिटेट एंड सच ए सिचुएशन इज इवन इनकंसीवेबल। आप वो सोच भी नहीं सकते, ऐसी हैबिटेट होता भी नहीं है। और फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज तो चाहिए जिस पे वो फीड कर सके। इवन ए प्लांट स्पीसीज, प्लांट की भी जो स्पीसीज है उसको भी क्या चाहिए? विच मेक इट्स ओन फूड, कैन नॉट सर्वाइव अलोन। वो भी अलोन सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? इट नीड सोयल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सोयल एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो उसको भी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, माइक्रोब्स की, सोयल माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो सोयल माइक्रोब्स ब्रेक डाउन में, सोयल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसके ब्रेक डाउन में रोल प्ले करेंगे। सो दैट वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इनऑर्गेनिक कंटेंट में कन्वर्ट होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स में, और तब जाके प्लांट उन इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो उसको भी सोयल माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है प्लांट को। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पोलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। और अगर एनिमल्स ही ना हो तो प्लांट पोलिनेशन भी नहीं कर पाएगा। ज्यादातर कई प्लांट्स हैं जो डिपेंड करते हैं एनिमल्स के, पोलिनेटर का काम करते हैं एनिमल्स उनके लिए, वो भी एक पॉइंट है। अब कह रहा है, इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल प्लांट्स माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। वो अलग अलग नहीं रहते बल्कि क्या करते रहते हैं? बट इंटरेक्ट इन वेरियस वे टू फॉर्म बायोलॉजिकल कम्युनिटी। उनकी जो पॉपुलेशन है अलग अलग स्पीसीज की, वो इंटरेक्ट करती है अलग अलग तरीके से इकोसिस्टम के अंदर, और वो क्या बना देते हैं? कम्युनिटी एस्टेब्लिश कर देते हैं। कम्युनिटी में क्या आ जाएगा? डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन जब हम इकट्ठा कर दें तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कम्युनिटी बन रही है। तो वो कम्युनिटी बन जाती है। और इवन इन मिनिमल कम्युनिटी मैनी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट। काफी तरह के इंटरेक्टिव लिंकेज रहते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ऑल दो ऑल मे नॉट बी रेडिली अपेरेंट। हो सकता है कि वो इतने इजीली डायरेक्टली विजिबल ना हो, लेकिन काफी अलग अलग तरह के इंटरेक्टिव लिंकेज बन जाते हैं कम्युनिटी के लेवल पे। ठीक है, तो ये सारा इसमें बता रहा है कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन में अलग अलग स्पीसीज की इंटरेक्शन है और उनके रिजल्टेंट एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो रहा है। अब इसके बाद बोल रहा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, कि इंटर स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है अलग अलग स्पीसीज में, अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। अब ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कब हो रही होगी? जब दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन हैं वो इंटरेक्ट करेंगी। अब उनके इंटरेक्शन का क्या रिजल्ट हो सकता है? दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल, नाइदर हार्मफुल नोर बेनिफिशियल टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ। अब उनकी जो इंट्रेक्शन है उस इंट्रेक्शन का एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? कि हो सकता है दोनों को मान लो फायदा हो रहा हो, उसमें बेनिफिट हो रहा हो, दोनों को नुकसान हो रहा हो डेट्रीमेंटल, या हो सकता है न्यूट्रल हो, कोई तो एक न्यूट्रल हो, किसी दूसरे को फायदा हो रहा हो या दूसरे को नुकसान हो रहा हो, बेनिफिट में भी एक को बेनिफिट हो रहा हो दूसरे को नुकसान हो रहा हो। तो ये अलग अलग तरह के रिजल्ट निकलेंगे अलग अलग तरह के इंटरेक्शन। ठीक है, अब बोल रहा है असाइनिंग ए पॉजिटिव साइन प्लस साइन फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, कि ऐसे इंटरेक्शन जिसमें दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रही हैं और उनका एंड रिजल्ट क्या हुआ? उस इंटरेक्शन का बेनिफिशियल रिजल्ट निकला। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट निकला, प्लस निकला। एंड नेगेटिव साइन हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन, किसके लिए, कैसी तरह, कौन सी इंटरेक्शन के लिए? डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन के लिए, जिसमें नुकसान हो रहा हो, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा हो। और जीरो लिखेंगे किसके लिए? न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, जिसमें ना तो फायदा हो रहा हो, बेनिफिट भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है, वो इंटरेक्शन डेट्रीमेंटल भी नहीं है। तो ऐसी अलग अलग तरह की इंटरेक्शन नेचर में देखने को मिलती हैं।
अब बोल रहा है लेट अस लुक एट ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो ये जो डिफरेंट स्पीसीज के इन बिटवीन जो ये इंटरेक्शन हो रही हैं उनकी पॉपुलेशन की, अब इनका ओवरऑल क्या पॉसिबल आउटकम निकलेगा वो देखते हैं। तो ये एक टेबल की फॉर्म में कि ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन का बता रखा है कि कौन सी बेनिफिशियल इंटरेक्शन होती हैं, कौन सी डेंट्रीमेंटल होती हैं, कौन सी न्यूट्रल होती हैं। तो इसमें एक इंटरेक्शन का नाम है जिसमें दो अलग अलग स्पीसीज इंटरेक्ट करती हैं, उस इंटरेक्शन को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। उस म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन में क्या होती हैं कि जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही हैं, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी, उन दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों बेनिफिट ले रही हैं। तो स्पीसीज ए को भी बेनिफिट हो रहा है, स्पीसीज बी को भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये इंटरेक्शन कैसी बोली जाती है? म्यूचुअलिज्म बोली जाती है, जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। फिर एक इंटरेक्शन होती है कॉम्पिटिशन वाली, जिसमें क्या होता है दोनों स्पीसीज के ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो माइनस साइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्पिटिशन को। एक इंटरेक्शन होती है प्रीडेशन। प्रीडेशन वाले इंटरेक्शन में क्या होती है, एक स्पीसीज को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरी स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, वो नेगेटिव में जा रही है। तो प्रीडेशन में कौन रहता है? तो प्रीडेटर रहता है, प्रीडेटर जो शिकार करता है, और उसका एक प्रे होता है। तो प्रीडेशन वाली इंटरेक्शन में प्रीडेटर को तो पॉजिटिव, उसको तो फायदा है, बेनिफिशियल इफेक्ट है उसके ऊपर तो, लेकिन प्रे पे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली इंटरेक्शन है प्रीडेशन। उसके बाद आता है पैरासिटिज्म, पैरासाइट हो जाना किसी के बॉडी पे, जिसमें एक को तो बेनिफिट है और एक को नुकसान है। तो पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट होता है उसको तो फूड मिल रहा है, और लेकिन जो उसका होस्ट है उस पे तो उसको तो नुकसान हो रहा है, वो तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर। तो ये पैरासिटिज्म है जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। फिर एक इंटरेक्शन होती है कमेंसलिज्म। इसके अंदर क्या होता है, एक स्पीसीज को तो बेनिफिट हो रहा होता है लेकिन दूसरी न्यूट्रल होती है, उस पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं होता, नेगेटिव इम्पेक्ट भी नहीं होता उसके ऊपर, कमेंसलिज्म। और एक और इंटरेक्शन होती है एवेंसलिज्म। इसके अंदर क्या होता है, एक स्पीसीज को तो नुकसान हो रहा होता है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, और दूसरी स्पीसीज है वो न्यूट्रल इफेक्ट शो करेगी, उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की इंटरेक्शन हैं जो नेचर में देखने को मिलती हैं, जिनमें दोनों को फायदा हो रहा हो वो है म्यूचुअलिज्म, दोनों को नुकसान हो रहा हो वो है कॉम्पिटिशन, जिसमें एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा हो वो प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, ये दोनों है। ठीक है, जिसमें एक पे पॉजिटिव इफेक्ट एक न्यूट्रल है वो कॉमेंसलिज्म, और जिसमें एक नेगेटिव है दूसरा न्यूट्रल है वो अमेंसलिज्म। ये अलग अलग तरह की इंटरेक्शन होती हैं। अब इनमें जो ये वाली इंटरेक्शन हैं, कंपटीशन प्रीडेशन, ये वाली कंपटीशन प्रीडेशन पैरासिटिज्म, ये तीनों, इन तीनों इंटरेक्शन में क्या होते हैं कि जो ये इंटरेक्ट करने वाली स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी, ये उसी एनवायरनमेंट में क्लोजली एरिया में रहती हैं ये वाली। ठीक है, तभी ये इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाती हैं। कंपटीशन वाली स्पीसीज भी एक क्लोजली पार्ट में सिचुएटेड होंगी, प्रेडेटर वाली भी, पैरासाइट वाली भी। ठीक है, इनके अंदर ये कंडीशन रहती है। फिर अब आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये सारी इंटरेक्शन मेंशन कर रखी है, जो लास्ट वाली है इनमें अमेंसलिज्म वो मेंशन नहीं है। तो ये अमेंसलिज्म का थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आप अपनी नोटबुक में इसी में एनसीईआरटी में ही नोट डाउन कर लेना और इसको पढ़ लेंगे हम। ठीक है, पहले इसी को मैं बता देता हूँ। अमेंसलिज्म ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा है, तो ये इतना पार्ट आप मेंशन कर लेना एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, एग्जाम्पल्स मान लो पूछ लेते हैं। तो अमेंसलिज्म के बारे में हमें पता है कि अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और दूसरी स्पीसीज न्यूट्रल इफेक्ट शो करेगी, उस पर कोई उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब इस ऐसे इंटरेक्शन का, ऐसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल्स क्या है? तो एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है फेनोमिना ऑफ एंटीबायोसिस। अमेंसलिज्म के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, एंटीबायोसिस। इसमें होता क्या है, इन विच ए स्पीसीज, कोई एक स्पीसीज है जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक स्पीसीज है फंगस की, ये क्या सिग्रेट करती है, ये एक एंटीबायोटिक बनाती है, पेनिसिलिन बनाती है। ठीक है,
और वो पेनिसिलिन क्या कर देती है, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, वो हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो तो पेनिसिलिन बनाता ही है, चाहे उसके आसपास हार्मफुल माइक्रोब्स ग्रो हो या ना हो, लेकिन अगर ये बना रहा है और आसपास हार्मफुल माइक्रोब्स हैं तो उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, उनकी ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट जाने लग रहा है, माइक्रोब्स की ग्रोथ पे, कब, जब पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन बनाने लग रहा है, एक एंटीबायोटिक बनाने लग रहा है। ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटेटम पे तो कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है, वो तो पेनिसिलिन सीक्रेट करती है, वो तो न्यूट्रल है, लेकिन जब वो पेनिसिलिन बना रही है उसका नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है किसके ऊपर, माइक्रोब्स के ऊपर, हार्मफुल माइक्रोब्स जो है उनके ऊपर, कि उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो रही है, तो उनपे कैसा इफेक्ट है, ये नेगेटिव इफेक्ट जो हो रहा है। ठीक है, तो एक ये माइक्रोब्स के लेवल का एग्जाम्पल बता रखा है एमेंसिलीजम का। दूसरा एक और एग्जाम्पल क्या होता है एमेंसिलीजम का, अनदर एग्जाम्पल ऑफ एमेंसिलीजम या एंटीबायोसिस, या इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म और एलिलोपैथी भी बोलते हैं इसको, ये प्लांट से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है कि इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाई अदर स्पीसीज थ्रू सिक्रेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स, कि कोई एक प्लांट स्पीसीज कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रही हो जिससे दूसरी प्लांट की स्पीसीज वहां पे ग्रो ना कर पाए, उसकी ग्रोथ इनिबिट हो रही हो। ठीक है, ऐसा फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ ब्लैक वॉलनट, जो ब्लैक वॉलनट होता है उसकी जो रूट है उसका बायोलॉजिकल नेम है जुगलन निग्रा, वो उसकी रूट क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं केमिकल जिसको बोलते हैं जुगलोन, तो वो तो हमेशा ही ये केमिकल रिलीज करती हैं जुगलोन, चाहे उसके आसपास कोई दूसरी स्पीशीज ग्रो हो या ना हो, वो तो हमेशा ही जुगलोन सिक्रेट करती हैं। लेकिन जब ये जुगलोन सिक्रेट हो रहा होता है तो ये टॉक्सिक हो जाता है, विच इज टॉक्सिक टू अदर प्लांट लाइक एप्पल। तो ये जो उनकी रूट से, ब्लैक वॉलनट की रूट से जुगलोन केमिकल रिलीज हो रहा है, वो उस एरिया में एप्पल के जो स्पीसीज हैं उनको ग्रो करने में उनके लिए टॉक्सिक हो जाता है और वो अच्छे से वहां पे ग्रो नहीं कर पाते। तो ये ब्लैक वॉलनट का तो न्यूट्रल है, उस पर तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, वो तो अपना केमिकल बनाता ही है, लेकिन उसका केमिकल एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा किसी दूसरी स्पीसीज पे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एप्पल की स्पीसीज पे डाल रहा कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे उस एरिया में, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं इससे रिलेटेड, एमेंसिलीजम से रिलेटेड। ये आप अपनी एनसीईआरटी में यहीं पे नोट डाउन कर लेना इसी स्पेस में, और इसको याद कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब बता रहा है कि इंटरेक्शन सुनिए, इंटरेक्शन के बारे में थ्योरेटिकली बता रहा है, बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। ठीक है, दोनों इंटरेक्ट करने वाली स्पीसीज, एंड बोथ लूज इन कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को नुकसान हो रहा होता है इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। ठीक है, फिर इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट। पैरासिटिज्म प्रीडेटर में एक ही स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, पैरासिटिज्म में तो किसको हो रहा है, पैरासाइट को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन होस्ट को नुकसान हो रहा है जिसके ऊपर वो पैरासाइट है। प्रीडेशन के अंदर प्रीडेटर को तो फायदा हो रहा है लेकिन जो प्रे स्पीसीज है उसको तो नुकसान हो रहा है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, तो इनमें ये ऐसे इंटरेक्शन है जिसमें एक ही स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा होता है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है, एंड द इंटरेक्शंस इज डेट्रीमेंटल, नुकसान देने वाली होती है टू द अदर स्पीसीज। किसको, पैरासिटिज्म में तो नुकसान किसको हो रहा होगा, होस्ट को नुकसान हो रहा होगा, और प्रीडेशन में किसको नुकसान हो रहा होगा, प्रे को नुकसान हो रहा होगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर बोला द इंटरेक्शंस वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, ऐसे इंटरेक्शन जहां एक स्पीसीज को तो बेनिफिट हो रहा है, एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नोर हार्म, दूसरी स्पीसीज को बेनिफिट भी नहीं हो रहा, हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं आ रहा, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कमर्शियलिज्म। तो आप ये डेफिनेशन की फॉर्म में भी इन चीजों को याद कर सकते हो, कमर्शियलिज्म कौन सी इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी को ना तो बेनिफिट हो रहा है ना उस पर कोई हार्म आ रहा है, तो वो कमर्शियलिज्म है वो इंटरेक्शन।
एमेंसिलिज्म वाली में क्या हो रहा था, ऑन द अदर एंड वन स्पीसीज इज हार्म, एक स्पीसीज को तो नुकसान हो रहा था, वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड, दूसरी स्पीसीज पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, अनअफेक्टेड थी दूसरी, ठीक है। फिर एक कॉमन पॉइंट लिखा गया है, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसिलिज्म, ये तीनों शेयर एक कॉमन करेक्टरिस्टिक, इन तीनों इंट्रेक्शन में कॉमन चीज देखने को मिलता है क्या, कि द इंट्रेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर, इनमें इंट्रेक्ट करने वाली स्पीसीज आसपास ही रहती हैं, क्लोजली टुगेदर रहती है, ठीक है, तभी वो इंट्रेक्शन पॉसिबल हो पाएगी, अगर वो दूर दूर अलग अलग जगह होंगी तो वो इंट्रेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रीडेशन, इसमें कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर रखे हैं कि प्रीडेशन नेचर में कहाँ कहाँ कैसे टेक प्लेस कर रहा है, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, क्या फंक्शंस हैं, वो बता रखे हैं कुछ। तो अब प्रीडेशन में कह रहा है, व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स बाई ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल टू ईट द प्लांट, ये जो एनर्जी प्लांट फिक्स कर रहे हैं, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से फूड बना रहे हैं, अगर मान लो एनिमल्स ही ना हो उनको खाने के लिए तो वो एनर्जी तो यूजफुल होगी नहीं किसी तरह से। तो बोल रहा है, वी कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन एज ए नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉपिक लेवल द एनर्जी फिक्स बाई प्लांट्स। तो हम प्रीडेशन को ऐसे सोच सकते हैं कि ये नेचर का एक तरीका है जिससे नेचर जो प्लांट्स ने एनर्जी फिक्स की है उसको वो हायर ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर कर रहा है। जैसे प्लांट सबसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं प्रोड्यूसर्स की फॉर्म में, प्लांट प्रोड्यूसर्स होते हैं, अब इनसे ऊपर प्रोड्यूसर्स हैं उसके बाद कौन आ जाएंगे, हर्बीवोरस आ जाएंगे जो प्लांट से फूड मटेरियल ऑब्टेन कर रहे हैं, इसके ऊपर कौन आ जाएंगे हर्बी के बाद, प्राइमरी कार्निवोरस आ जाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोरस आ जाएंगे, टर्सरी कार्निवोरस आ जाएंगे। तो ये जो हायर ट्रॉपिक लेवल है इनमें एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, लेकिन हर्बीवोरस हैं वो किस पे फीड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स पे, तो वो इनके एक तरह से आप अगर ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में सोचो तो वो हर्बीवोरस प्रोड्यूसर्स से फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या है, प्रीडेटर्स का काम कर रहे हैं उनके लिए, प्राइमरी कार्निवोरस हैं वो हर्बीवोरस को खा रहे हैं तो वो उनके लिए प्रीडेटर है, सेकेंडरी कार्निवोरस प्राइमरी को खा रहे हैं, टर्सरी कार्निवोरस सेकेंडरी कार्निवोरस से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये जो हायर ट्रॉपिक लेवल है इनमें एनर्जी को, उस एनर्जी को जो प्लांट ने फिक्स की है फोटोसिंथेसिस से, उसको हायर ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर करने का एक तरीका है कौन सा, इंट्रेक्शन, प्रीडेशन, ठीक है, इसको आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, अब बोला व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे, इस इंट्रेक्शन में प्रीडेशन में क्या होता है, एक तो प्रीडेटर है जिसको बेनिफिट हो रहा है, एक प्रे है जिसको नुकसान हो रहा है, तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो जो मोस्ट प्रोबेबली अपने दिमाग में आएगा कि किसके बारे में हम बात करें, मोस्ट प्रोबेबली इट इज द टाइगर एंड द डियर, टाइगर तो इस केस में क्या हो गया, प्रेडेटर, और डियर क्या हो गया, प्रे, दैट रेडिली कम टू आवर माइंड, बट इज स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस देन ए प्रेडेटर, लेकिन एक स्पैरो है वो हर्बीवोरस है और सीड को खा रही है, वो ईट कर रही है प्रोड्यूसर से, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है, प्रेडेटर का एग्जाम्पल हो सकता है। Although animals eating plant, वो एनिमल जो प्लांट को ईट करते हैं उनको हमने सेपरेटली कैसे कैटेगराइज कर रखा है, हर्बीवोरस, दे आर इन ए ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर, ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आप उनको प्रेडेटर से कुछ ज्यादा अलग नहीं मान सकते, आप उसको बोल सकते कि वो प्रेडेटर ही है और उस एनर्जी को जो प्लांट ने कैप्चर की है उसको वो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, हाइयर ट्रॉपिक लेवल में लेके जाने लग रहे हैं। एक जनरल डिस्क्रिप्शन था प्रीडेटर्स के बारे में, ठीक है, और इस इंट्रेक्शन में रिजल्ट क्या होगा, एक पे कैसा इफेक्ट आएगा, प्रीडेटर को तो पॉजिटिव, इसमें आप लिख भी सकते हो, एक पे तो पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, ऐसा इंट्रेक्शन है, ठीक है। अब इसके थोड़ा एग्जांपल स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्या एग्जांपल्स हैं, अब इसमें बोलने लग रहा है कि नेचर के अंदर प्रीडेशन है वो क्या क्या रोल प्ले करता है वो बता रहा है, यानी कि यहाँ पे बता रहा है रोल प्लेड बाई कौन से इंट्रेक्शन, प्रीडेशन। तो अभी ये आपको रोल पढ़ने हैं इसके अंदर, सबसे पहले क्या बोल रहा है, बिसाइड एक्टिंग एज ए कंडक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर,
कॉन्डक्ट मतलब चैनल, चैनल का काम करते हैं। स्किल कैसा चैनल, जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है कहाँ पे, एक्रोस्ट्रोफिक लेवल। प्रीडेटर प्ले अदर इम्पोर्टेंट रोल ऑल्सो। तो पहला फंक्शन तो क्या है प्रीडेटर का, कि वो कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज कॉन्डक्ट चैनल ऑफ, चैनल की तरह काम करता है, इसके चैनल की तरह फॉर एनर्जी ट्रांसफर, फॉर एनर्जी ट्रांसफर एक्रोस ट्रोफिक लेवल। एक ट्रोपिक लेवल से अगले ट्रोपिक लेवल में वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस में आ रही है तो हर्बीवोरस उसके प्रीडेटर हो गए, तो प्राइमरी कार्निवोरस हर्बीवोरस को खा रहे हैं तो वो उसके प्रीडेटर हो गए। यानी कि प्रीडेशन वाली इंट्रेक्शन एक तरह का चैनल का काम कर रही है, जो आगे आगे एनर्जी को ट्रांसफर करती जा रही है। बट बोला प्रीडेटर्स के इसके अलावा भी कुछ और रोल होते हैं, तो एक तो काम ये हो गया प्रीडेटर का, ये चैनल की तरह काम करता है जो एनर्जी ट्रांसफर करता है। सेकंड फंक्शन क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है, बोर्ड में आता है ये आपको याद करना है। दूसरा फंक्शन यहाँ से है कि दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। दूसरा फंक्शन ये है प्रीडेटर्स का, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बट फॉर प्रेडेटर्स प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर प्रेडेटर प्रे स्पीसीज पे कंट्रोल नहीं रखेगा तो उसकी तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, एंड कोज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी, इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस बात को समझाने में एक एग्जाम्पल बता रखा है, When certain exotic species are introduced into a geographical area, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में हम बाहर से लाके कोई स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दें जो पहले इस एरिया में नहीं रहती थी, हमने उसको लाके यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, दे बिकम इन्वेसिव, वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाएंगे यहाँ पे इस एरिया में। क्यों, क्योंकि यहाँ उनका कोई प्रेडेटर है ही नहीं, और क्या होने लग जाएगा, स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डजंट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर, क्योंकि वहां उनका कोई प्रेडेटर ही नहीं है। आप कोई बाहर से स्पीसी लाके इस एरिया में ले आए तो उसका प्रेडेटर नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाएगी। ऐसा ही एक केस देखा गया था, अब एग्जाम्पल की फॉर्म में बता रहा है इसी बात को, कि द प्रिकली पियर कैक्टस, एक कैक्टस लेके आए थे ओपनसिया, प्रिकली पियर कैक्टस, अभी एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इंटू ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 1920 काज हैवक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इंटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंजलैंड। वो जो इंट्रोड्यूस किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1920 में प्रिकली पियर कैक्टस, तो पूरे वहां पे पूरे मेन रेंजलैंड में फैल गया, काफी हेक्टेयर में फैल गया। क्यों, क्योंकि उसका कोई प्रेडेटर ही नहीं था वहां पे। फिर उसको फाइनली कैसे कंट्रोल किया, फाइनली द इन्वेसिव कैटल कैक्टस वाज ब्रोट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर ए कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, एक मोथ, मोथ लेके आए, एक बटरफ्लाई के जैसा रहता है वो, कैक्टस फीडिंग मोथ इंट्रोड्यूस किया वहां पे, फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री। तो उसको इंट्रोड्यूस किया तब जाके वो कैक्टस की पॉपुलेशन कंट्रोल होने लगी, लिमिट होने लगी। तो यानी कि ये क्या बता रहा है कि प्रीडेटर्स का काफी बड़ा रोल होता है प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखने में। अगर इनकी पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल नहीं होगी तो वो ज्यादा फैल जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है जो आप प्रीडेटर्स का फंक्शन याद करोगे, कि दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, पॉपुलेशन को, प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हो। ठीक है, उसका एक एग्जांपल आ जाए, कि कोई एक एग्जांपल बताओ जिसमें जब प्रीडेटर नहीं था तो वो ज्यादा ग्रो करने लग गया था, तो उसका एक एग्जांपल हम बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या इंट्रोड्यूस किया था, प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया था 1920 में, और वो काफी मिलियंस ऑफ हेक्टेयर रेंजलैंड में फैल गया था क्योंकि उसका कोई प्रीडेटर नहीं था। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पे कैक्टस फीडिंग मोथ को इंट्रोड्यूस किया, जब जाके उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। ठीक है, ये दूसरा हो गया, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है प्रीडेटर। तीसरा क्या है, थर्ड यहाँ पे है, तीसरा प्रीडेटर का रोल, कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स होते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स मेथड, जैसे हमने पढ़ा था ना बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं पेस्ट को किल करने के लिए, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक पेस्ट को किल करने के लिए, तो वो कैसे काम करते हैं, जैसे आपने
ड्रैगन फ्लाई इंट्रोड्यूस कर दिया एग्रीकल्चर लैंड में, किसको किल करने के लिए, मॉस्किटो को किल करने के लिए। तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड था जिसमें ड्रैगन फ्लाई है वो मॉस्किटो को कंज्यूम कर रहा है। तो एक्चुअल में वो इंट्रेक्शन भी कैसी है, प्रीडेशन वाली इंट्रेक्शन है वो भी, उसमें वो ड्रैगन फ्लाई कैसे एक्ट कर रही है एज ए प्रीडेटर, मॉस्किटो कैसे एक्ट कर रहा है एज ए प्रे, और वो उस मॉस्किटो को कंज्यूम करते जा रहे हैं ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हमने अडोप्ट किए हैं इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल, वो भी किस पे बेस हैं, कौन सी इंट्रेक्शन पे बेस हैं, आर बेस ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन, वो भी इसी पे बेस है। ठीक है, प्रीडेशन पे ही बेस है, प्रीडेटर की एबिलिटी पे ही बेस है कि वो प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देते हैं। तो तीसरा इसमें प्रीडेटर्स का क्या रोल लिख सकते हैं हम, कि इनको हम यूज करते हैं प्रीडेशन वाली टेक्निक को, प्रीडेशन वाली इंट्रेक्शन को, किसके अंदर, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स के अंदर। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हैं किसके कंट्रोल करने के लिए, अडोप्टेड इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल, आर आल्सो बेस ऑन, कौन से इंट्रेक्शन बेस है, बेस ऑन प्रीडेशन, ये भी इसी पे बेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ फोर्थ पढ़ेंगे बाद में, फोर्थ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, कि जो प्रीडेटर्स हैं आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखते हैं। किसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रे की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो मान लो 10 तरह की अलग अलग प्रे स्पीसीज है, तो वो उनकी डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखता है प्रीडेटर। कैसे, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज, कि किसी एरिया में कोई कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज है 10 तरह की अलग अलग, ठीक है 10 तरह की है। अब हम यहाँ से इन सारी प्रे स्पीसीज का जो प्रीडेटर है वो रिमूव कर दें, हमने वो प्रीडेटर यहाँ से रिमूव कर दिया इस एरिया से, तो वो प्रे स्पीसीज के लिए कोई प्रीडेटर बचा नहीं, तो वो प्रे स्पीसीज क्या करेंगी, आपस में कंपटीशन करने लग जाएंगी। तो उनमें अगर आपस में कंपटीशन होगा तो हो सकता है कोई प्रे स्पीसीज क्या हो जाए, इलिमिनेट हो जाए, हो सकता है। तो जब प्रीडेटर यहाँ पे रहता है तो वो प्रीडेटर कंज्यूम करता रहता है इन प्रे स्पीसीज को, सो दैट इनके आपस में इनमें इतनी इंटेंसिटी क्रिएट नहीं होती कंपटीशन वाली, ठीक है वो कम हो जाती है, आपस में ये कम्पीट नहीं करती फिर, ठीक है क्योंकि उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं है कि वो आपस में कम्पीट करें, क्योंकि वहां पे प्रीडेटर है वो उनको कंज्यूम करने लग रहा है। तो ये चौथा फोर्थ तरीका बता रहा है, प्रीडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रीडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, किसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन करता है इन ए कम्युनिटी, प्रे की स्पीसीज, कैसे, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। अब इसका भी एक एग्जांपल यहाँ मेंशन कर रहा है कि ये कैसे पता चले आपको, बोल रहा है इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अमेरिका का जो पैसिफिक कोस्ट है वहां पे, वहां का जो रॉकी इंटरटाइडल एरिया है, वहां देखा कि एक स्टारफिश थी पिसास्टर, ये उसका बायोलॉजिकल नेम है, इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, वो उस एरिया में एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर का रोल प्ले करती है। लेकिन फिर वहां पे एक फील्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, ठीक है एक्सपेरिमेंटली फंक्शन किया, और व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव फ्रॉम द एनक्लोज इंटरटाइडल एरिया, उस उतने से एरिया में, उस एनक्लोज एरिया में जितना भी वो स्टारफिश थी पिसास्टर जो प्रीडेटर का रोल प्ले कर रही थी, उनको एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया थोड़े टाइम के लिए वहां से, तो क्या हुआ, क्या देखने को मिला, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो जहाँ उस एरिया में, रोकी इंटरटाइडल एरिया में जो प्रे की तरह स्पीसीज एक्ट करती थी इनवर्टिब्रेट्स की, वो आपस में उनमें कंपटीशन बढ़ गया, और जिसकी वजह से उनमें से 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से, वो आपस में कम्पीट करने लग गई फूड के लिए और उन चीजों के लिए। तो यानी कि अगर इनका प्रीडेटर इंट्रोड्यूस रहता है यहाँ पे स्टारफिश जो थी पिसास्टर, तो इन सब का नंबर एक मैनेजेबल लेवल पे रखती, सबको वो थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करती, तो इनका लेवल मैनेजेबल लेवल इनका अक्यूमुलेट होता, सो दैट ये आपस में कंपटीशन नहीं करती,
तो वो कंपटीशन नहीं करती है, तो इनकी डाइवर्सिटी भी ऐसे लॉस नहीं होती, ठीक है। तो यानी कि प्रेडेटर स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी मेंटेन करने में रोल प्ले करता है एक एरिया में। अगर वहां से प्रेडेटर रिमूव कर देंगे तो उन इनवर्टिब्रेट्स की, यहाँ पे जैसे जो प्रे स्पीसीज थी, उनमें आपस में कंपटीशन हो गया और उनमें से एक्सटिंक्शन होने लग गया, ठीक है। तो ये चार बेसिक आपको रोल पढ़ने हैं प्रीडेटर के नेचर के अंदर, ठीक है। ये चारों आपको लिखने आने चाहिए। ये 3 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है, 2 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये चारों पॉइंट आपको आने चाहिए जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। इनको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इनमें से कोई भी पॉइंट विद एग्जांपल एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, कि जैसे स्पीसी डाइवर्सिटी वाले आप विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो, तो उसमें ये अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट वाला एग्जांपल उसमें आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि इफ ए प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लोइट इट्स प्रे, कि मान लो कोई ज्यादा एफिशिएंट है प्रीडेटर, वो ज्यादा ओवर एक्सप्लोइट करता है प्रे को, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। तो हो सकता है प्रे वैसे ही एक्सटिंक्ट हो जाए क्योंकि प्रीडेटर उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग गया। एंड फॉलोइंग इट द प्रीडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड। तो आने वाले टाइम में फिर तो प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि उसके पास फूड की कमी हो जाएगी, क्योंकि प्रे था जो उसका स्पीसीज जिसको है वो डिपेंडेंट था, वो सारी एक्सटिंक्ट हो गई, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दिस इज द रीजन वाई प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक क्वेश्चन आता है वाई द प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रूडेंट का क्या मतलब होता है? सेंसिबल एंड केयरफुल। कि जो प्रीडेटर होता है वो प्रूडेंट होता है नेचर के अंदर, यानी कि वो सेंसिबल एंड केयरफुल है। क्या किस बात में सेंसिबल एंड केयरफुल है? कि वो प्रे स्पीसीज जो हैं उनको कभी भी ओवर एक्सप्लोइट नहीं करेगा, उन प्रे स्पीसीज को कभी भी ओवर एक्सप्लोइट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ओवर एक्सप्लोइट करेगा तो आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी प्रे स्पीसीज, और उसी को फॉलो करते हुए प्रीडेटर खुद भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ये देखा गया है नेचर में प्रीडेटर कैसा होता है, प्रूडेंट इन नेचर होता है, सेंसिबल एंड केयरफुल होता है। वो उतना ही एक्सप्लोइट करता है प्रे को जितना उसको जरूरत है, ओवर एक्सप्लोइट नहीं करता वो कभी भी, ठीक है। ये क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं व्हाई द प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। उसका ये आंसर आप लिख सकते हो कि इफ द प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लोइट इट्स प्रे, ये वाला आंसर लिख सकते हो, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रीडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड, और दिस इज द रीजन व्हाई प्रीडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर। ये आंसर बन जाएगा उसका, ठीक है। ये आपको याद करना है क्यों प्रूडेंट होते हैं। उसके बाद बोला है कि ठीक है प्रीडेटर्स ये रोल प्ले कर रहा है, लेकिन प्रीडेटर से बचने के लिए जो प्रे स्पीसीज हैं उन्होंने भी तो कई तरह के मैकेनिज्म्स डेवलप कर रखे होंगे सो दैट प्रीडेटर्स उनको कैच ना कर पाए, प्रीडेटर से वो बच पाए। तो ऐसे भी प्रे स्पीसी ने कई टेक्निक्स डेवलप कर रखी होंगी, कई मैकेनिज्म अडेप्ट कर रखे होंगे, तो अब उनके बारे में बात कर रहा है कि प्रे स्पीसीज हैज इवोल्व वेरियस डिफेंस डिफेंस के तरीके बनाए हैं इसमें टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन। प्रीडेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए उन्होंने अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म इवोल्व कर रखे हैं। अब वो आपको याद करना है, पहला डिफेंस का मैकेनिज्म तरीका क्या है, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग वो क्या करती हैं, आर क्रिप्टिकली कलर्ड कोमोफ्लेज, वो क्या करती हैं कोमोफ्लेज का तरीका अप्लाई करती हैं। कोमोफ्लेज में क्या करते हैं, ये ऐसा एक तरीका है जिसमें जो भी प्रे स्पीसीज है, जैसे यहाँ पे बता रहा है इंसेक्ट के बारे में या फ्रोग के बारे में, वो क्या करेंगे, वो अपनी बॉडी का जो कलर पैटर्न है वो बिल्कुल वैसा बना लेंगे जैसा बैकग्राउंड का है, जहाँ पे वो रहते हैं उस बैकग्राउंड का जैसा कलर है सेम वैसा कलर पैटर्न डेवलप कर लेंगे, सो दैट वो इजिली अपने एनवायरनमेंट में क्या हो जाए, ब्लेंड हो पाए, सो दैट प्रीडेटर उनको पहचान ही ना पाए। अब उनका भी ऐसा ही कलर हो गया जैसा बैकग्राउंड का है जहाँ पे वो रहते हैं, तो प्रीडेटर को पहचान में नहीं आएंगे। तो एक तो ये है, इसको बोलते हैं क्रिप्टिक कलरेशन, क्रिप्टिक कलरेशन करना, या इसी को बोलते हैं कोमोफ्लेज, कि वो अपने बैकग्राउंड के जैसा हो गया बिल्कुल और अब वो हाइड हो गया है, प्रीडेटर उसको पहचान ही नहीं पा रहा, कोमोफ्लेज कर गया वो अपने बैकग्राउंड के साथ में, ठीक है, अपने हैबिटेट के आसपास के कलर के अकॉर्डिंग। तो ये क्रिप्टिक कलरेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है
और इसका एग्जांपल आपके पास आ जाए तो आपको क्या बताना है कि इंसेक्ट्स में होता है और फ्रॉग के अंदर है क्या? ये क्रिप्टिकलेशन डिफेंस का मैकेनिज्म है, ये प्रे को प्रोटेक्ट कर रहा है, इससे प्रीडेटर से बचा रहा है। ठीक है, ये डेवलप कर लेते हैं कोमोफ्लेज की टेक्निक जिसमें वो बैकग्राउंड से मिक्सअप हो जाते हैं। ये तो फर्स्ट आ गया, पहला तरीका आ गया। ठीक है, और इसे जब ये कोमोफ्लेज करेंगे तो उसे क्या हो जाएगा, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रीडेटर। इजिली वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा प्रीडेटर उनको, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लेंड हो गए अपने बैकग्राउंड में। दूसरे क्या करते हैं, ये तो एक तरीका हो गया क्रिप्टिक कल्टेशन का। कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या फॉलो करते हैं, सम आर पॉइजनस। ये अभी आपको ऐसे ही डिफेंस मैकेनिज्म आ जाए एक्सप्लेन करना, तो पॉइंट्स में लिखना है ये फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट कि सम आर पॉइजनस एंड देयर फोर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स। कुछ क्या होते हैं, कलर पैटर्न डेवलप नहीं कर रहे बट वो पॉइजनस है। ठीक है, उन्होंने पॉइजन एक्यूमुलेट किया अपनी बॉडी में। सम आर पॉइजनस एंड देयर फोर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स। तो प्रीडेटर्स इसलिए उनको अवॉइड करते हैं, उनको एज ए प्रे स्पीसी यूज ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है जो पॉइजनस हो प्रीडेटर के लिए, मोनार्क बटरफ्लाई होती है। मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर। वो डिस्टेस्टफुल होती है अपने प्रीडेटर्स के लिए, और उसका प्रीडेटर उस बटरफ्लाई का कौन रहता है, बर्ड। क्यों रहती है डिस्टेस्टफुल, बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। क्योंकि उनकी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फिर प्रीडेटर उनको खाते नहीं है। इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज। अब बटरफ्लाई में वो केमिकल कहाँ से आया जिसकी वजह से वो डिस्टेस्टफुल हो गई प्रेडेटर के लिए, प्रेडेटर उसको यूज नहीं कर रहा है एज ए फूड सोर्स। वो उसने एक्वायर किया था तब वो कैटरपिलर स्टेज में थे बटरफ्लाई। कैसे, बाय फीडिंग ऑन ए पॉइजनस वीड। उसने कुछ पॉइजनस वीड है, और वो पॉइजनस वीड का आप नाम लिख लेना मिल्क वीड। तो वो जो कैटरपिलर का लार्वल स्टेज थी वो फीड करती थी मिल्क वीड पे, पॉइजनस वीड था एक उस प्लांट पे, और उससे उसने केमिकल अपनी बॉडी में एक्वायर किया जिसकी वजह से वो हाईली डिस्टेस्टफुल हो गई किसके लिए, बर्ड्स के लिए। हो सकता है बर्ड सिक हो जाएं उसको खाने के बाद, तो फिर बर्ड्स उनको अवॉइड करने लग गए उनको एज ए फूड सोर्स यूज करने के लिए, एज ए प्रे इंडिविजुअल यूज करने से। तो इसमें क्या हो गया कि वो पॉइजनस हो गए प्रेडेटर के लिए, सो दैट प्रेडेटर फिर उनको यूज नहीं कर रहा। तो या तो कुछ तो अपना डिफेंस का तरीका होता है कि ब्लेंड कर जाते हैं, कोमोफ्लेज कर जाते हैं बैकग्राउंड के साथ के जैसा ही पैटर्न डेवलप कर लेते हैं कलर पैटर्न, सो दैट वो पहचान में ही ना आए। दूसरे क्या करते हैं, अपनी बॉडी में पॉइजनस एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं, पॉइजन एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं वो भी। ठीक है, आपको ये दो डिफेंस मैकेनिज्म याद होने चाहिए। क्रिप्टिक कलरेशन में किसका एग्जाम्पल याद करना है, इंसेक्ट्स का, फ्रोक का। ठीक है, और इसके अंदर मोनार्क बटरफ्लाई का जो बर्ड जिनके लिए प्रीडेटर का काम करता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए कौन प्रीडेटर है, प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते, प्लांट्स के लिए कौन है, हर्बीवोरस आर द प्रीडेटर। हर्बीवोरस इनके लिए प्रीडेटर का काम करते हैं। और नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट, जितने इंसेक्ट है उनके 25% आर नोन टू बी फाइटोफैगस। फाइटो मतलब प्लांट, फैगस मतलब उनपे फीड करते हैं। फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट में जो भी सैप है उसका लिक्विड कंटेंट और भी चीजें हैं प्लांट की, उन्हीं पे फीड करते हैं 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट। ठीक है, वो भी फाइटोफैगस है। ठीक है, हर्बीवोरस तो प्लांट पे फीड कर ही रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर द प्लांट्स। प्लांट अगर एज ए प्रे हो गया, उनके ये हर्बीवोरस उनके लिए प्रेडेटर्स हैं, तो उनके लिए ज्यादा सीवियर कंडीशन है। क्यों, बिकॉज अनलाइक एनिमल दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर, दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर। ठीक है, तो अब प्लांट भी तो कोई ना कोई डिफेंस स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करेगा बचने के लिए। तो ये क्या करते हैं, तो बोल रहा है प्लांट देयर फोर हैव इवॉल्व एन एस्टोनिशिंग वेराइटी ऑफ मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। किसके अगेंस्ट, हर्बीवोरस के अगेंस्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लांट ने क्या डेवलप किया, या तो मोर्फोलॉजिकल कोई चेंज किया या केमिकल डिफेंस का मैकेनिज्म डेवलप किया अगेंस्ट हर्बीवोरस। क्यों, क्योंकि तो उनके लिए तो हर्बीवोरस ही प्रेडेटर का काम कर रहे हैं प्लांट्स के लिए। तो जैसे मोर्फोलॉजिकली क्या किया, अब मोर्फोलॉजिकली का पहला एग्जांपल क्या पढ़ोगे, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम किसमें, प्लांट्स के केस में। तो प्लांट्स में पहला हम पढ़ रहे हैं मोर्फोलॉजिकल। ठीक है, मोर्फोलॉजिकल उन्होंने क्या चेंज किया, तो उसका पहला एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोन्स बनते हैं।
थोन्स, अकेसिया में, कैक्टस के अंदर आर द मोस्ट कॉमन मोर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहला डिफेंस तरीका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ थोन्स। थोन्स बन जाएंगे किसके अंदर? बनते हैं अकेसिया में और कैक्टस में, और ये डिफेंस का काम करते हैं, तो अर्बिवोरस इनसे दूर रहेंगे थोन्स की वजह से। ठीक है, ये मोर्फोलॉजिकल तरीका है, मोर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। और क्या करते हैं ये? दूसरा आप बताया, ये तो मोर्फोलॉजिकल हो गया, दूसरा क्या बोला था? केमिकल डिफेंस। तो केमिकल डिफेंस का तरीका क्या है कि मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी में स्टोर कर लेते हैं कुछ केमिकल्स। कौन सी केमिकल्स? दैट मेक द हर्बिवोरस सिक, जिससे हर्बिवोरस सिक हो जाए, बीमार हो जाए, व्हेन दे आर ईटन, जब वो अगर उसको ईट कर रहे हैं उस प्लांट को। और क्या हो सकता है? इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, हो सकता है उसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाए, डाइजेशन ना हो पाए ठीक से, डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन, उसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर डिसरप्ट हो जाए, और इवन किल इट, और उस केमिकल की वजह से प्रीडेटर की डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा केमिकल प्लांट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो ये दूसरा डिफेंस का तरीका है जिसमें वो क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस सम केमिकल जो प्रीडेटर के लिए हार्मफुल है, प्रीडेटर पे वो कैसा इफेक्ट डालेंगे? नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। क्या नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे उसके ऊपर वो केमिकल? हो सकता है वो क्या कर दे, उनको सिक कर दे, उनकी जो फीडिंग एफिशिएंसी है उसको डिक्रीज कर दे, फीडिंग एफिशिएंसी को कम कर दे, उनके डाइजेस्टिव फंक्शनिंग को कम कर दे, डाइजेशन डिक्रीज हो जाए, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाए, उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को डिसरप्ट कर सकता है, और इवन क्या कर सकता है? किल कर सकता है प्रीडेटर को, वो केमिकल जो प्लांट में एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल बता रहा है कि कौन, एक प्लांट का नाम बताओ कि जिसमें कोई एग्जाम्पल हो कि केमिकल बनता हो। तो कह रहा है यू मस्ट हैव सीन द विड, आपने एक विड देखा होगा, खरपतवार, कैलोट्रोपिस, हमारे यहाँ बोलते हैं आंकड़ा का पेड़। तो जो कैलोट्रोपिस होता है उसके अंदर क्या होता है? ग्रोइंग इन अबंडेंट फील्ड, वो यहाँ ओपनली फील्ड में ग्रो करता है कैलोट्रोपिस, तो उसके अंदर एक केमिकल रहता है। द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, वो प्लांट एक केमिकल एक्यूमुलेट करता है, कौन सा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एंड दैट इज वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। तो आप किसी हर्बीवोरस को देखोगे नहीं कि वो इस प्लांट पे फीड कर रहा हो, क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट है कैलोट्रोपिस, ये अपनी बॉडी में केमिकल एक्यूमुलेट करता है, कौन सा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये नाम इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड पॉइजनस है हर्बीवोरस के लिए, तो कोई हर्बीवोरस उस इस प्लांट को कैलोट्रोपिस पे फीड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? ए वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट ऑन ए कॉमर्शियली स्केल, हम कॉमर्शियल स्केल में बहुत सारी चीजें प्लांट से ऑब्टेन करते रहते हैं, क्या? फॉर एग्जाम्पल निकोटिन है, कैफीन है, क्विनीन है, स्ट्राइकाइनिन है, ओपियम है, ये अलग अलग चीजें हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और इनका अलग अलग चीजों में यूज करते हैं प्लांट ने, बट ये क्यों बनाई थी? आर प्रोड्यूस बाई देम एक्चुअली एज ए डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। तो ये तो हम इनका अपने पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में प्लांट इन चीजों को क्यों बनाता है? वो इन सब चीजों को एज ए डिफेंस में बनाता है, डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरी, डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरी, हर्बीवोरी यानी कि हर्बीवोरस से बचने के लिए, ब्राउजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल से बचने के लिए एज ए डिफेंस बनाता है, वो इन सब केमिकल्स को अक्यूमुलेट करता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन हम उनका फिर बाद में कॉमर्शियली स्केल पे यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में शुरू में तो प्रीडेटर्स का रोल बताया, उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स बताए, फिर उसके बाद क्या बताया कि प्रे क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है प्रीडेटर से बचने के लिए, तो उसमें क्रिप्टिक कलरेशन का तरीका बताया, दूसरा मोनार्क बटरफ्लाई पॉइजन क्रिएट करने लग जाती है अपने अंदर, वो बताया। उसके बाद प्लांट्स पे आ गया कि प्लांट्स भी, प्लांट्स के लिए हर्बीवोरस प्रीडेटर का काम करते हैं, 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट वो फाइटोफेगस होते हैं, बट प्लांट के लिए ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है क्योंकि ये तो रन भी नहीं कर सकते, तो प्लांट ने अलग अलग तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किए, फॉर एग्जाम्पल मोर्फोलॉजिकल डिफेंस और केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस डेवलप किए। मोर्फोलॉजिकल में क्या डेवलप किए? थोन्स बना रहे हैं, जैसे अकेसिया, कैक्टस थोन बनाते हैं, कुछ दूसरे प्लांट होते हैं जो केमिकल अक्यूमुलेट करते हैं, ऐसे केमिकल जो
उसको सिक कर सकते हैं, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, फीडिंग एफिशिएंसी खराब कर सकते हैं और उसको इवन किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या बताया, कैलोट्रोपिस एक प्लांट है जो क्या करता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनाता है, केमिकल एक्यूमुलेट करता है अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से कोई भी ग्रेजिंग एनिमल उसके उस पर फीड नहीं करता। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस पूरे प्रिडेशन में मेंशन कर रखा है जो आपको अच्छे से याद करना है। और उसके अलावा बोला और भी जो केमिकल्स प्लांट में देखने को मिलते हैं अलग अलग, जिनका हम कमर्शियली स्केल पे यूज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एक्चुअल में वो प्लांट क्यों बनाता है उन सबको, उन सबको प्लांट बनाता है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हर्बीवोरी, हर्बीवोरस से बचने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ बता रहा है कौन से इंट्रेक्शन को, प्रीडेशन को, इसमें प्रीडेटर को फायदा हो रहा है, प्रे स्पीसीज को नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये वाला था, एक पे पॉजिटिव इफेक्ट, दूसरे पे नेगेटिव इफेक्ट। अब एक तरीका और अपने को पढ़ना है, वो दूसरा है कंपटीशन। तो कंपटीशन कौन सी इंट्रेक्शन थी, इसमें हमने देखा था दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा था, डेट्रीमेंटल इफेक्ट जा रहा था दोनों कॉम्पीट करने वाली स्पीसीज के ऊपर। ठीक है, ये पढ़ा था इसके अंदर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, डार्विन बोल रहा था एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी और जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर। ठीक है, तो वो बोल रहा था आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो कौन से स्ट्रगल की बात कर रहा था, कौन से कॉम्पिटिशन की बात कर रहा था। He was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. तो बोल रहा था कि जो different species होती है, interspecific competition होता है, interspecific competition, कि दो अलग अलग species में competition होता है, but ये दो अलग अलग species तो हैं, लेकिन ये closely related species होती हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं जिनका फूड सोर्स सेम ही होता है, जिनका फूड सोर्स सेम ही होता है। तो वो फूड सोर्स तो नेचर के अंदर कैसा होगा, लिमिटेड। अब उस लिमिटेड फूड रिसोर्स को कंज्यूम करने के लिए ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं आपस में क्या करेंगी, कंपटीशन करेंगी, और इस कंपटीशन में कौन सर्वाइव करेगा, जो सबसे फिटेस्ट होगा, और वो फूड को कंज्यूम करेगा, दूसरी स्पीसीज क्या कर जाएगी, एक्सटिंक्ट कर जाएगी। तो बोला ऐसे नेचर के अंदर क्या होता रहता है, इवोल्यूशन होता रहता है, नई नई स्पीसीज बनती रहती हैं जो अपने अंदर कैरेक्टर्स में चेंज लाती रहती हैं, जो फिट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू चेंज कंडीशंस, तो वो फिट होएगी और वो नेचर में एग्जिस्ट करेगी, आगे रोल, आगे इवोल्यूट होने में रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो डार्विन कौन से कॉम्पिटिशन की बात कर रहा था, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की बात कर रहा था बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन वो जो बोल रहा था वो डिफरेंट स्पीसीज भी क्या थी, क्लोजली रिलेटेड थी, क्लोज रिलेटेड थी, तभी उनका फूड सोर्स सेम था। ठीक है, वो उसकी बात कर रहा था। तो ये अभी कंपटीशन को समझाने की कोशिश कर रहा कि बोल किसको रहा हूं कंपटीशन। इट इज जनरली बिलीव दैट कंपटीशन कब होगा, कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज जो डिफरेंट है बट क्लोजली रिलेटेड है, तब होगा कंपटीशन जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पीट करें फॉर द सेम रिसोर्स। और कौन सा रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो लिमिटिंग है नेचर में, दैट आर लिमिटेड, बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। ये वाली बात तो सही है, कंपटीशन ऐसे में होता है, लेकिन ये एंटायरली ट्रू नहीं है कि सिर्फ यही होता है, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिशन का क्या मतलब है, क्या होना चाहिए, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, और दूसरी साइड रिसोर्स कैसा हो, लिमिटेड, रिसोर्स हो लिमिटेड। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं और रिसोर्स लिमिटेड हैं, तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा इस रिसोर्स को कंज्यूम करने के लिए स्पीसीज के इन बिटवीन। ठीक है, ये कंपटीशन की है, बट बोला है दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू, नॉट एंटायरली ट्रू, बट सिर्फ यही तरीका है कंपटीशन, इन्हीं इसी केस में कंपटीशन होएगा, ये सही नहीं है कि क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होंगी तभी कंपटीशन होएगा, रिसोर्स लिमिटेड है तभी कंपटीशन होएगा, ये जरूरी नहीं है। ये केस तो है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ केस हैं, जैसे कि एक केस यहाँ कौन सा है, पहला कि फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। ये कंपटीशन कब भी हो सकता है,
अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन हो सकता है, अनरिलेटेड स्पीसीज भी जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, वो स्पीसीज भी सेम रिसोर्स के लिए जो लिमिटेड है, सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर सकती हैं। कैसे स्पीसीज? अनरिलेटेड, बिल्कुल रिलेटेड नहीं, ऐसा भी केस मिल जाता है। तो इसको भी क्या हम कंपटीशन नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, ये भी कंपटीशन ही है। तो वो पहली वाली डेफिनेशन तो हमेशा सही होगी, तो है ही नहीं कि क्लोज रिलेटेड स्पीसीज ही लिमिटेड रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करेंगी। अनरिलेटेड स्पीसीज भी सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसका, कि फॉर इंस्टेंट इन सम सैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, कुछ साउथ अमेरिकन लेक्स हैं, उनमें क्या देखा गया, तो उन लेक्स में जो विजिटिंग फ्लेमिंगोज बर्ड होते हैं, फ्लेमिंगो बर्ड होते हैं, एंड द रेजिडेंट फिशीज, और उस लेक के अंदर जो फिशीज रहती हैं वो कम्पीट करती हैं फॉर देयर कॉमन फूड। उन दोनों स्पीसीज का फूड कॉमन है, कौन? जू प्लैंकटोन खाती हैं वो, जू प्लैंकटोन इन द लेक। तो सेम रिसोर्स तो क्या हो गया, जू प्लैंकटोन, लेकिन स्पीसीज तो रिलेटेड नहीं है। एक तो बर्ड है फ्लेमिंगो, वो तो बर्ड्स हैं, और दूसरा फिशीज हैं, तो ये तो अलग अलग वर्टिब्रेट्स हैं ना, एक बर्ड है एक फिश है, तो अनरिलेटेड हैं, लेकिन दोनों कंपटीशन करते हैं लेक के अंदर वहां किसके लिए, सेम फूड रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए। तो वो उनका सेम फूड रिसोर्स कौन है, जू प्लैंकटॉन्स लेक के अंदर। तो ये तो यहाँ भी कंपटीशन हो रहा है, बिल्कुल अनरिलेटेड स्पीसीज में भी। तो हम तो कंपटीशन को उस पहले वाले पॉइंट से ही सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इस ये यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है वो वाले पॉइंट की कंपटीशन हो रहा है। दूसरा क्या पॉइंट बोल रहा है, दूसरा ये कि ठीक है, आप पहला वाला पॉइंट आपका यहाँ से कैंसिल हो गया कि सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ही कंपटीशन करती हैं। चलो ये पॉइंट तो रिजेक्ट हो गया कि हो सकता है अनरिलेटेड भी कर जाए, कंपटीशन कर जाए, लेकिन दूसरा पॉइंट हमने क्या कंसिडर किया था कि रिसोर्स कैसा होना चाहिए, लिमिटेड, तभी कंपटीशन होगा, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कैसे जरूरी नहीं है, अब इसका बता रहा है। सेकेंडली, रिसोर्स नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर, रिसोर्स लिमिटिंग हो तभी कंपटीशन होगा, ये भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे ऐसा देखा गया, एक तरह का एक कंपटीशन की टाइप है इंटरफेरेंस कंपटीशन, जिसमें क्या होता है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के फीडिंग एफिशिएंसी में इंटरफेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस, एक स्पीसीज की जो फीडिंग एफिशिएंसी है, फूड तो काफी है, लेकिन जब एक जगह पे एक स्पीसीज फीड कर रही थी, वहां पे आपने कोई दूसरी स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दी, तो जो पहली वाली स्पीसीज थी उसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम हो गई, वो ठीक से फीड नहीं कर पा रही है, कंपटीशन बढ़ गया उनके बीच में। ठीक है, तो यानी कि एक स्पीसीज दूसरे के फीडिंग एफिशिएंसी में इंटरफेयर कर रही है। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ दी अदर स्पीसीज, कि वहां पे कोई दूसरी स्पीसीज आ गई और उसकी वजह से वो पहली वाली स्पीसीज की जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो कम होने लग रही है और अब उनमें कंपटीशन होने लग रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे तो रिसोर्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन वो इंटरफेयर कर रही है उसके साथ, उसकी फीडिंग एफिशिएंसी में, तो ये भी एक केस बन जाता है जहाँ रिसोर्स अनलिमिटेड है। इवन इफ रिसोर्स रिसोर्स फूड भी स्पेस भी अबंडेंट है, तब भी वो उसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम करने लग रही है। ठीक है, तो यानी कि ये दूसरा वाला पॉइंट कि रिसोर्स लिमिटेड होगा तभी कंपटीशन होगा, वो भी ठीक से फुलफिल हो रहा नहीं है, कि हो सकता है किसी केस में वो भी हो, लेकिन इसके अलावा भी केस बन जाते हैं जब रिसोर्स अनलिमिटेड हैं लेकिन फिर भी क्या हो जाए, कॉम्पिटिशन हो जाए। ठीक है, तो ये इन केस को डिस्क्राइब कर रहा था। अब फिर पढ़ते हैं, तो भाई फिर एक्चुअली डेप कंपटीशन बोलेंगे किसको, इसको तो बोल नहीं सकते परमानेंट कि क्लोज रिलेटेड स्पीसीज में ही होगा, इसको भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ अनरिलेटेड में ही होगा, क्योंकि क्लोजली में भी हो जाता है अनरिलेटेड में हो जाता है, इसको भी नहीं बोल सकते कि सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा, इसको भी नहीं बोल सकते कि डिफरेंट रिसोर्स काफी ज्यादा लिमिटेड नहीं है फिर भी होगा। तो एक्चुअल में अब क्या कंपटीशन की डेफिनेशन निकाली, देयर फोर कंपिटिशन इज बेस्ट डिफाइंड कैसे, एज ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज जो फिटनेस हम कैसे मेजर कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ आर वैल्यू, द इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, आर वैल्यू पढ़ी थी ना, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बी माइनस डी, जो आर वैल्यू है,
तो हम ये देखेंगे कि कंपटीशन हम उसको बोलेंगे, उस प्रोसेस को जिसमें एक स्पीसीज की जो फिटनेस है, एक स्पीसीज की जो आर वैल्यू है, वो क्या हो रही हो, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। एक स्पीसीज की आर वैल्यू क्या हो रही हो, कम होने लग रही हो, लोअर हो रही हो, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। तब उस प्रोसेस को, उस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट रिमूव कर दिया कि रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए, वो किसी केस में होता होगा लेकिन हर केस में वही होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कंपटीशन की यहाँ से डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है, निकल के आएगी। ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज गोस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड। तो इसको लेबोरेटरी में करके देखा क्या, व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली इलिमिनेट द अदर स्पीसीज, बट एविडेंट फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। क्या देखा, लेबोरेटरी स्केल पे एक साइंटिस्ट थे गोस, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें ये क्या बोले, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें क्या बोले कि जो दो स्पीसीज आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, तो उनमें से जो सुपीरियर स्पीसीज है, सुपीरियर कंपीटिंग स्पीसीज है, वो एक टाइम के बाद जो इनफीरियर स्पीसीज रह गई उसको इलिमिनेट कर देगी। जो सुपीरियर हो जाएगी वहां पे, जिसके अंदर ज्यादा अच्छे करेक्टर हो आ जाएंगे आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो सुपीरियर स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को इवेंचुअली क्या कर देगी, इलिमिनेट कर देगी। ठीक है, इसको उन्होंने बोला था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, की कॉम्पिटिशन की वजह से एक स्पीसीज एक्सक्लूड हो गई, उसका एक्सक्लूजन हो गया, वो इलिमिनेट हो गई। कौन सी, जो इनफीरियर रह जाएगी, जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी, वैसे करेक्टर नहीं होंगे जैसे रिक्वायरमेंट है, वो वाली क्या हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी और एक सुपीरियर बन जाएगी। ये दिया था उन्होंने, गोस ने, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये एक्चुअल में उन्होंने किसको एज ए एग्जाम्पल की फॉर्म में लेके किया था, उन्होंने ये देखा कि पैरामीशियम की स्पीसीज ली, तो उन्होंने देखा एक स्पीसीज पैरामीशियम ओरेलिया, पैरामीशियम ओरेलिया, उसको इंडिपेंडेंटली रिसोर्स प्रोवाइड कराया और ग्रो किया, तो वो अच्छे से ग्रो हो रही थी। ऐसे ही उन्होंने एक दूसरी पैरामीशियम की स्पीसीज लेबोरेटरी में ग्रो कराई, पैरामीशियम काउडेटम, दूसरी ग्रो कराई पैरामीशियम काउडेटम। तो जब उसको भी इंडिपेंडेंटली एक लेबोरेटरी स्केल पे ग्रो कराया और रिसोर्स प्रोवाइड किया, तो वो भी ग्रो करने लग गई। लेकिन जब इन दोनों स्पीसीज को एक साथ ग्रो कराया, तो एक साथ ग्रो कराया तो ये देखने को मिला कि जो पैरामीशियम काउडेटम है उसकी ग्रोथ कम हो गई, वो ग्रो करना बंद कर गई, पैरामीशियम काउडेटम, इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। कौन सी दूसरी स्पीसीज, पैरामीशियम ओरेलिया। कि जब दोनों को अलग अलग ग्रो कराया तो दोनों रिसोर्स को यूटिलाइज कर रही थी, ग्रो हो रही थी, लेकिन जब दोनों को सेम रिसोर्स के साथ एक ही जगह पे ग्रो कराया तो देखा एक स्पीसीज कैसे एक्ट करने लग गई एज ए सुपीरियर स्पीसीज, और दूसरी क्या हो गई, इनफीरियर, और एक टाइम के बाद दूसरी इनफीरियर वन क्या हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी। इसको उन्होंने क्या बोला था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, एक टाइम के बाद दूसरी स्पीसीज इलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, ऐसा उन्होंने ये पैरामीशियम की स्पीसीज, पैरामीशियम जो एक प्रोटोजोआ है उसकी स्पीसीज लेके और ये लेबोरेटरी में डेमोन्स्ट्रेट करके देखा था। ठीक है, उस पर उन्होंने ये प्रिंसिपल निकाला था गोस ने। बट कह रहा है नेचर में हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि एक सुपीरियर हो जाएगी और एक इनफीरियर हो जाएगी और इनफीरियर एक टाइम के बाद इलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, नेचर में हमेशा ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये बोल रहा है कि इट इज रिलेटिव इजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज वोस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड। कब, व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली इलिमिनेट द अदर स्पीसीज। तो पैरामीशियम ओरेलिया ने पैरामीशियम कोडेटम को खत्म कर दिया जब रिसोर्स फिक्स था। बट एविडेंट फॉर सब सच कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ऐसे कंपटीशन से एक्सक्लूजन हो जाएगा
इसके एविडेंस अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव, वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, हमेशा ऐसा होगा वो फिक्स नहीं है, क्या पता ऐसे एक्सक्लूड ना भी होती हो। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे जो ऊपर हमने पढ़ा था, वो वाला केस इंटरफेरिंग वाला, इंटरफेयर कंपटीशन वाला। स्ट्रॉन्ग एंड परसुसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केस, कि ये एक्सक्लूड हो जाती है, कम्पिटिटिव एक्सक्लूड हो जाता है, सुपीरियर वन इंफीरियर वन को इल्यूमिनेट कर देगी, कुछ केस में देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है वो जरूरी नहीं है। अब वो इंटरफेयरिंग का एग्जाम्पल बता रहा है, एक की ब्राउजिंग एफिशियंसी कम थी, रिसोर्स तो अनलिमिटेड था, लेकिन एक की ब्राउजिंग एफिशियंसी कम थी, दूसरी स्पीसीज की ब्राउजिंग एफिशियंसी, फीडिंग एफिशियंसी ज्यादा अच्छी थी, तो इसलिए वो दूसरी स्पीसीज के साथ इंटरफेयर कर रहा था उसकी फीडिंग में। इसका एग्जांपल है द अबिंगडन टोर्टोइज इन गैलापागो आइलैंड। तो जो गैलापागो आइलैंड है वहां पे अबिंगडन टोर्टोइज रहते थे, बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड, वो एक डिकेड के अंदर ही एक्सटिंक्ट हो गए। कब? आफ्टर गोट वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड, जब वहां पे गैलापागो आइलैंड पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, गोट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसके बाद अबिंगडन टोर्टोइज वहां पे एक्सटिंक्ट होने लग गए, डिकेड में एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? Apparently due to greater browsing efficiency of the goat, ये वहां पे दोनों को खाने के लिए जो browsing material था ग्रास था, लेकिन किसकी browsing efficiency ज्यादा strong थी, ज्यादा अच्छी थी, goat की, as compared to abingdon tortoise। तो इनमें से उसकी browsing efficiency इतनी अच्छी नहीं थी, तो एक कौन सा केस बन गया, interference competition का। ठीक है, वो इंटरफेयर कर रही है उसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी, तो ये ज्यादा जल्दी ब्राउज करती है, तो सो दैट अबिंगडन टोर्टोइज वैसा नहीं कर पा रहा था, तो टाइम के साथ साथ वो खत्म हो गए वहां से। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ रहा है, अनदर एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर। ये और क्या एविडेंस है नेचर में कंपटीशन के, ये तो पढ़ लिए कि भाई सेम स्पीशीज होती हैं, वो भी कंपटीशन करती हैं सेम रिसोर्स के लिए, जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, या अनरिलेटेड स्पीशीज होती हैं वो भी सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट करती हैं, या फिर रिसोर्स भी अनलिमिटेड हो और फिर भी स्पीशीज कंपटीशन कर सकती हैं, इंटरफेयर कर सकती हैं एक दूसरे की ब्राउजिंग एफिशिएंसी में। इसके अलावा और क्या कंपटीशन के तरीके हैं, तो कह रहा है इन नेचर कम फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड, और क्या तरीके आता है, कंपिटिटिव रिलीज भी एक आता है। इसमें क्या बोल रहा है, स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, कि कोई ये एक एरिया था, कोई एक स्पीसीज थी वो इसी एरिया में रहती थी, बस इतने एरिया में, ये वैसे तो बहुत बड़ा एरिया था लेकिन वो एक इसके फिक्स पार्ट इतने में रहती थी कोई स्पीसीज। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीसीज, क्योंकि इतने बड़े एरिया में, बाहर वाले एरिया में कोई दूसरी सुपीरियर स्पीसीज थी बी, वो रहती थी, तो उसकी वजह से जो ए स्पीसीज था उसका जो एरिया था रहने का, जिसमें वो प्रेजेंस थी उसकी, वो इतना ही था, इतना ही था। बट क्या कह रहा है, इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, लेकिन देखा गया ये ए जो स्पीसीज है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ाने लग जाती है, वो एक ज्यादा बड़े एरिया में रहने लग जाती है। कब? Dramatically, when the competing species is experimentally removed, जब आप जो ये बी है स्पीसीज है जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, इसको आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस एरिया से रिमूव कर दो, तो ये देखा जाएगा कि ये जो ए स्पीसीज है इसकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ जाएगी, ये एक ज्यादा बड़े एरिया में रहने लग जाएगी, क्योंकि अब उसका प्रीडेटर वहां से एलिमिनेट हो गया, रिलीज हो गया, बाहर निकाल दिया है, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिशन की वजह से एक स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है वो भी अफेक्ट होती है, और कॉम्पिटिटिव रिलीज में हम बोल रहे हैं कि जो सुपीरियर वेराइटी है हमने उसको रिलीज कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया, तो जो दूसरी स्पीसीज थी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, ये तीसरा तरीका है कॉम्पिटिटिव रिलीज वाला। ठीक है, कि ऐसे भी कॉम्पिटिशन हो रहा होता है। उसके बाद बोला है, अब ये एक्सपेरिमेंट किन्होंने करके देखा, एक साइंटिस्ट थे कॉर्नल, कॉर्नल फील्ड, कॉर्नल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या देखा, शोज दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, रॉकी सी पार्ट जो स्कॉटलैंड का कोस्ट था, वहां पे क्या देखा इन्होंने, द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बर्निकल्स बेलेनस, एक फिश स्पीसीज है
वार्निकल्स बेलेनस, वो डोमिनेट करती है उस एरिया में, उस इंटरटाइडल एरिया में डोमिनेट करती है। लेकिन उन्हें उस फील्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उसको रिमूव कर दिया, एंड वो जब वहां डोमिनेट करती है तो क्या करती है, एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल्स। कौन सी स्पीसीज स्मॉलर बार्निकल की? कैथेमेलस फ्रॉम दैट जोन। तो वो जो सुपीरियर वेराइटी है बेलेनस, वो रिमूव कर देगी किसको? कैथेमेलस को, उस एरिया से जो सुपीरियर वेराइटी है वो इंफीरियर वन को इलिमिनेट कर देगी। लेकिन ये देखा गया कि आप इसको सुपीरियर वेराइटी को रिलीज कर दो थोड़े टाइम के लिए, वहां से बाहर निकाल दो एक्सपेरिमेंटली, तो ये जो इन्फीरियर आप जिसको बोल रहे थे उसकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक है, इसके लिए कॉर्नल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, साइंटिस्ट कॉर्नल, उन्होंने किया था इसको, इसको समझाने के लिए, कॉम्पिटिटिव रिलीज को समझाने के लिए। ठीक है, और फिर एक जनरल लाइन बोल रहा है कॉम्पिटिशन के बारे में, इन जनरल हर्बिवोरस एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोरस। कंपटीशन का ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट किन पे आता है? हर्बिवोरस पे और प्लांट्स पे ज्यादा आता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। ठीक है, अब उसके बाद वो गोस वाला प्रिंसिपल बता रहा है जो पहले मैंने एक बार अभी बताया था। गोस ने क्या दिया था? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसी तरह से क्या बोल रहा था कि जो भी सुपीरियर स्पीसीज होगी वो इंफीरियर वन को क्या कर देगी? इलिमिनेट कर देगी। ठीक है, ये बोल रहा था, जब रिसोर्स सेम रिसोर्स को वो कंज्यूम कर रहे हो। तो याद आएगा बोर्ड में आपके आ जाता है 2 मार्क्स क्वेश्चन कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है। वो उसने दिया था, क्या बोलता है? स्टेटेड दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं, क्या कर रही हैं? कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, जो सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रही हैं, cannot coexist indefinitely, वो एक साथ नहीं रह सकती, coexist नहीं कर सकती। तो क्या होगा? The competitively inferior one will be eliminate eventually, जो competitively inferior variety है वो eliminate हो जाएगी। तो ये उन्होंने किसका करके देखा था, जब दोनों को Paramecium aurelia और Caudatum एक साथ grow कराया तो जो aurelia है वो तो grow कर पा रही थी क्योंकि वो superior हो गई, तो जो Caudatum थी वो grow नहीं कर पा रही थी। ठीक है, यानी कि वो बोला कि वो कोएग्जिस्ट नहीं करेंगी, एक इलिमिनेट हो जाएगी जो इंफीरियर रह जाएगी, जो उस फूड रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी वो इलिमिनेट हो जाएगी। तो ये उनका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। ठीक है, तो कह रहा है दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्स आर लिमिटिंग, अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो ये बात सही है, बट नॉट अदरवाइज, बट अदरवाइज ये बात सही नहीं है। मोर रिसेंट स्टडीज, आजकल जो स्टडीज हो रही हैं उनसे क्या पता चल रहा है, डू नॉट सपोर्ट सच ग्रोस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन। तो आजकल नई नई स्टडी में पता चला कि आप ये फिक्स बात ऐसे मान नहीं सकते कि कोई कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर हो जाएगी, एक इंफीरियर हो जाएगी और इंफीरियर वन इलिमिनेट हो जाएगी और ये कॉम्पिटिटिवली आगे रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा कई केस में होता है लेकिन हमेशा यही हो जरूरी नहीं है। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, वैसा तो नहीं बोल रहे कि interspecific competition नहीं होता, ऐसे superior one नहीं बनेगी, वो तो होता है, but they point out that species facing a competition might evolve mechanism, हो सकता है जो species compete कर रही हैं वो ऐसा कोई और mechanism evolve कर लें जिस mechanism से क्या हो जाए, that promote coexistence rather than exclusion, कि वो कोई ऐसा तरीका निकाल लें जिससे इंफीरियर स्पीसीज को क्या हो जाए, एक्सक्लूड ना होना पड़े, उसको रिमूव ना होना पड़े, वो भी क्या कर पाए, को एग्जिस्ट कर पाए, को एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश हो पाए, किसके कंपेयर में, एक्सक्लूड होने गए, एक्सक्लूड ना हो, एक्सक्लूजन ना हो उसका, और वो को एग्जिस्ट करने लग जाए। तो देखा गया है कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जिनमें उन स्पीसीज ने ऐसा मैकेनिज्म इवोल्व किया है जिसमें वो coexistence को बढ़ावा दे रहे हैं rather than exclusion। ठीक है, वो केस होता है exclusion वाला भी, लेकिन ऐसे भी केस है जिनमें वो exclude नहीं होते, वो exist करते हैं। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, ऐसा एक तरीका क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसमें क्या होता है कि इफ टू स्पीसीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स,
रिसोर्स के लिए दो स्पीसीज कंपटीशन कर रही हैं। दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। कि फूड रिसोर्स क्या है, सेम है, रिसोर्स दो स्पीसीज जो यूज करती हैं वो सेम है दो स्पीसीज के लिए। ये कोई स्पीसीज है ए, ये कोई स्पीसीज है बी, दोनों सेम रिसोर्स को यूटिलाइज करती हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर कंपटीशन को अवॉइड कर सकती हैं। कैसे अवॉइड कर सकती हैं, क्या चूज करके, डिफरेंट टाइमिंग फॉर फीडिंग, कि वो सेम रिसोर्स को यूज करती हैं लेकिन उस रिसोर्स को जो फीड करने का उनका टाइमिंग है, फॉरेजिंग पैटर्न जो उनका है, फॉरेजिंग पैटर्न, उसको फीड करने का टाइमिंग पैटर्न वो अलग अलग है। कि मान लो एक स्पीसीज उसी रिसोर्स को यूज करती है डे टाइम में, दूसरी स्पीसीज है वो उस रिसोर्स को यूज करती है नाइट में, ठीक है, या एक सुबह के टाइम यूज करती है, एक शाम के टाइम पर यूज करती है उसी। तो यानी कि उन्होंने अपना फॉरेजिंग पैटर्न थोड़ा चेंज कर लिया, उसको इवोल्व कर लिया, आगे पीछे कर लिया, और उस सेम रिसोर्स को उन्होंने उस सेम रिसोर्स की क्या कर ली, पार्टीशनिंग कर लिया, उसका बंटवारा कर लिया, उसको अलग अलग टाइम पे फीड करने लग गए वो। तो ऐसे वो करेंगे तो अब उनको क्या नहीं करना पड़ेगा, आपस में कॉम्पिटिशन नहीं करना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिशन नहीं करना पड़ेगा तो यानी कि वो एक साथ को एग्जिस्ट कर पाएंगी, एक साथ रह पाएंगी, रेदर देन एक्सक्लूजन, उसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं होना पड़ेगा, को एग्जिस्ट कर पाएंगी। सेम रिसोर्स को भी यूज कर रही है लेकिन अपना बस फॉरेजिंग पैटर्न चेंज कर लिया, फीडिंग टाइमिंग चेंज कर ली, जिससे वो सेम रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो मान लो, और फिर भी सेम रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, फिर भी कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे, क्या कर लिया, रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसका क्या एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग का। इसका बोला है मैकोथर शोज दैट फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बल्स, वार्बलर्स बर्ड्स की स्पीसीज हैं, तो फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, वो कहाँ पे रहती हैं, लिविंग ऑन द सेम ट्री, सेम ट्री पे रहती हैं, यानी कि सेम फूड को यूज करती हैं, वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन, लेकिन वो कंपटीशन को अवॉइड करती हैं, एंड को एग्जिस्ट, और वो को एग्जिस्ट करती हैं, क्यों, ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी, क्योंकि उन पांचों स्पीसीज की जो फॉरेजिंग एक्टिविटी है, उस फूड को कंज्यूम करने का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग अलग अलग है, फॉरेजिंग पैटर्न अलग अलग है, तो उस वजह से वो क्या कर पाती हैं, को एग्जिस्ट कर पाती हैं। तो ये एक इन्होंने देखा था मैकोथर। तो इसमें तीन साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, एक तो गोस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो याद करना है, जिसमें बोल रहा था कि कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज इन्फीरियर वन को इलिमिनेट कर देगी। दूसरा पढ़ा था कोनल का फील्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें कॉम्पिटिटिव रिलीज वाला बता रहे थे कि बेलेनस अगर रिमूव कर दिया तो जो इन्फीरियर है कैथेमेलस, वो ब्रॉड एरिया में फैल जाएगी। तीसरा ये मैकोथर वाला है, जिसमें उन्होंने क्या देखा था कि स्पीसीज रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेती हैं, जिसमें जैसे कि उन्होंने बताया कि फाइव स्पीसीज हैं वार्बलर्स की, तो आपस में कम्पीट नहीं कर रही, को एग्जिस्ट कर रही हैं। कैसे, बाई डिफरेंट, उन्होंने अपना बिहेवियरल पैटर्न में चेंज कर लिया फॉर देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी, और वो एक साथ एग्जिस्ट कर पा रही हैं। तो ये तीन साइंटिस्ट रिलेटेड बता रखे हैं। और एक कॉम्पिटिशन की डेफिनेशन क्या बताई, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आर वैल्यू है एक स्पीसीज की, वो कम होने लग जाए इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, तो उस प्रोसेस को आप बोलोगे कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये उसने बताया था। और डार्विन ने तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला ही था कि रिसोर्स लिमिटेड है, तो स्पीसीज आपस में कॉम्पीट करेंगी, और उसमें जो सुपीरियर होगा वो एग्जिस्ट करेगा, बाकी इलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये उन्होंने बताया था। तो ये इंट्रेक्शन आपको पढ़ लेनी है, इससे आगे वाली अपन अगले लेक्चर में करेंगे।